नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू, आप सबको मेरा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास, उसमें स्वागत है। तो चलिए आज का हम विषय जान लेते हैं। आज का विषय है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग क्या है, उसका यूज़ क्या है, आज हम देख लेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसी के साथ सब्सक्राइब बटन के पास से एक बेल आइकन होगा, उसे भी आप क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियो देते रहता हूँ, उसके जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हेडिंग टैग क्या है, मैं पहले से तो यहाँ पे टाइप किया ही हुआ है, तो इसमें ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो हेडिंग टैग आपको पिछले वीडियो में दिखाया था सेंटर टैग का यूज़ किया, तो अभी मैं हेडिंग टैग आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। H1 ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर दो, H1 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। मतलब हेडिंग क्या होता है, सिक्स लेवल हेडिंग होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो पहले मैं ये दिखा लेता हूँ H1 का, उसके बाद बाकी सबका दिखाएंगे। तो हेडिंग क्या करता है, हाँ थोड़ा साइज में बड़ा और उसको बोल्ड में लेके आता है, तो देखते हैं। ये देखिए बोल्ड में और साइज में बड़ा ला दिया, ठीक है ना। तो ये हेडिंग का टैग का काम हो गया। अभी इसको क्या करते हैं, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं। और एक चीज मैं दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। इस सेंटर टैग को हमें रिमूव करता हूँ, ये सेंटर टैग तो के लिए ये बीच में आया था, रिमूव इसीलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप देखिए लेफ्ट में आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब हेडिंग टैग क्या है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, और इसका एट्रीब्यूट भी होता है हेडिंग टैग का, अलाइन एट्रीब्यूट, वो भी दिखाते हैं बाद में। पहले मैं सिक्स लेवल ऑफ हेडिंग दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको क्या कीजिए आप, गलती कर दिया मैंने, ठीक है। H1 ओपन, H1 क्लोज, H2 ओपन, H2 क्लोज, H3 क्लोज, H4 H4 क्लोज, H5 H5 क्लोज और H6 क्लोज, ओके। तो देखिए ये सिक्स लेवल ऑफ हेडिंग है, तो इसका कैसे आता है देखिए। देखिए ये H1 सबसे बड़ा, H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 सबसे छोटा, ठीक है। तो ये हेडिंग है जो बोल्ड में आता है और स्टेप बाई स्टेप वो उसका डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया और ये लेफ्ट लाइन हो गया, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन। अभी यदि आप उसको सेंटर चाहते हो लाइन तो देखिए क्या होता है, आ गया। आप सेंटर टैग देके भी ला सकते हो या फिर अलाइन सेंटर देके भी इसको ला सकते हो। हमने लाया था सेंटर टैग देके, फिर यहाँ पे अलाइन दे देते हैं, राइट में चला गया, ठीक है। ये सेंटर है राइट, और ये सब लेफ्ट है, और लेफ्ट देख के रखेंगे तो लेफ्ट ही आएगा, इसमें तो और कुछ है नहीं। अभी लेफ्ट देखे बाई डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है, और लेफ्ट देने से भी लेफ्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो वो देना नहीं देना एक ही मतलब है, लेफ्ट अलाइन। तो आपको समझ में आया कि हॉराइजेंटल, सॉरी गलत बोला, हेडिंग टैग क्या है। हेडिंग टैग का क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है ना। ये रहा क्लोज, ये रहा ओपन, तो इसमें क्या है,
कि ये कंटेनर एलिमेंट है और ये किस लिए यूज़ होता है, हेडिंग देने के लिए यूज़ होता है, कितना लेवल हेडिंग होता है, 6 लेवल हेडिंग होता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, 6 लेवल का हेडिंग होता है। उसी के साथ इसका क्या होता है, सबसे H1 वाला क्या है, सबसे बड़ा हेडिंग, और H6 वाला सबसे छोटा हेडिंग, ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट भी होता है, अलाइन एट्रीब्यूट, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अलाइन एट्रीब्यूट होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 3 वैल्यू होता है, एक सेंटर, ठीक है, एक सेंटर, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट तो देना नहीं देना एक ही मतलब हुआ, क्योंकि वो बाई डिफॉल्ट है। तो आपको समझ में आया होगा मैं हेडिंग टैग के विषय में जो समझाया। तो आज के लिए इतना दूर ही दोस्तों, नमस्कार।